वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। गाइस मैं जेपी मजौड़ दिल्ली से। गाइस ये है पल्सर 125 एफआई का मॉडल है और ये गाड़ी बंद होके आई है सुबह मॉर्निंग में और इसमें इन्होंने बाहर चेक कराया, इसका स्पार्क भाग गया था। तो गाड़ी मैंने जैसे चेक की तो इसमें स्पार्क नहीं था और स्पार्क ना होने का कारण क्या होता है वो पूरी डिटेल दूंगा इसमें, लेकिन गाड़ी में फॉल्ट क्या है प्रॉपर चेक करूँगा। आप लोगों ने मीटर में चेक करना है, कोई माल फंक्शन लाइट मतलब इंजन चेक लाइट ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेक लाइट आ रही है या फिर आपने सबसे पहले OBD कनेक्ट कर लेना है और उससे आप चेक करना है इसमें कोई कोड तो जनरेट नहीं हो गया कोई सेंसर का। तो सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए। तो आज के टाइम में ये BS7 गाड़ी है और अपने इसमें जितने भी OBD के जो OBD का कनेक्टर है ये होंडा का आ गया है, तो होंडा का कनेक्टर ये लगाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें लगा देता हूँ, ये लग गया होंडा का। तो अपना ये OBD डायग्नोस्ट इंटर करेंगे तो DTCD ECU, इसमें तीन कोड आए हुए हैं, थ्री कोड्स। तो चेक करते हैं सबसे पहले ग्रिड कोड करंट DTC। देखो इसमें एक तो कोड आया हुआ है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बायोमेट्रिक प्रेशर सर्किट मतलब मैप सेंसर का, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का आया हुआ है। दूसरा कौन सा कोड है, थ्रोटल पोजीशन का TPS सेंसर का, पूरा इनटेक टेम्परेचर सर्किट का। मतलब ये कोड कौन सी किसका आया हुआ है, ये जो अपने सेंसर यूनिट होती है थ्रोटल बॉडी के ऊपर उसका कोड है ये। तो एक बार क्या है गाड़ी का, सबसे पहले हम ये कोड डिलीट कर देते हैं, ये अरेज कोड सेकंड में जाके। अब इसके बाद गाइस हमने जो TPS सेंसर का कोड आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, सीधा लाइव डाटा, ये डाटा स्ट्रीम है ना, ये डाटा स्ट्रीम इसमें जाना है। तो इसमें डाटा स्ट्रीम में जाएंगे तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे। ये तो इसमें अपना देखिए सेंसर ढूंढेंगे, ये देखो एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन, ये देखो खड़ी खड़ी गाड़ी में मतलब गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं है ये पोजीशन अप डाउन लग रही है थ्रोटल पोजीशन की जो सेंसर की है। तो मतलब क्या है इसका हमने पहले कपलर चेक कर लेते हैं। ये ऐसे अभी आपके सामने है, ये आप कोई एक्सलेट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे और ये अप डाउन होने लग रही है। जैसे एक्सलेट करेंगे अभी एक्सलेट करता हूँ, देखो मैं एक्सलेट कर रहा हूँ तो भी नहीं बढ़ रहा, अब हो गया 87। तो कम ज़्यादा वो होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा। कपलर के वहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो इसका क्या है फिर सेंसर कराते हैं। और मैप सेंसर जो 3-in-1 सेंसर होता है, अपने तीन सेंसर इसी के अंदर होते हैं। तो अपना ये सेंसर है ये देखो, ये 3-in-1 सेंसर ये वाला है। तो इसका कपलर निकाल लेते हैं, कपलर का परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो एक बार इसको खोलते हैं सेंसर को, कौन कौन से सेंसर है इसके अंदर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, मैप सेंसर है और IAT इनटेक टेम्परेचर सेंसर, तीन सेंसर एक ही यूनिट के अंदर है। अभी यहाँ पर इसमें देखो जो TPS सेंसर है वो मैग्नेटिक है जो कि पहले मॉडल में भी आ करता, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक है, ये देखो परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, मतलब वैसे कोई देखने में कुछ वो नहीं लग रहा। तो मैंने भाई इसका सेंसर पर हटा दिया, अरे जो पहले इसमें करंट नहीं आ रहा था वो चेक कर लेते हैं अभी। इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए 3-in-1 का, लेकिन जैसे मैंने इसको अरे कोड अरेज की है अरे इसका कपड़ा हटाया तो गाड़ी में स्पार्क आ गया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, ठीक है। तो हमारी जो सेंसर यूनिट है इसके कारण देखो आपके सामने ये हो रहा है, गाड़ी मेरे पास बंद होके आई वो मैं दिखा नहीं पाया, शूट नहीं करी, ठीक है। तो हमारा सेंसर यूनिट के कारण अब क्या क्या इशू आ रहा था मैं लगाता हूँ इसमें, अभी करंट है कि नहीं है अब देखते हैं। अच्छा गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही, देखो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस जो इसका पल्सर का है इसका सेंसर मैंने शोरूम से मंगाया है। तो पहले परीक्षा पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, लेदर पार्ट नंबर DY 3518। तो इधर लिया एक बार, जैसे मैंने दिखाया था उसमें थ्रोटल पोजीशन, तो ये सेंसर भाई ओरिजिनल। तो इसको करते हैं इंस्टॉल फटाफट एक बार, इसके लिए कनेक्टर जो अच्छी तरह से लॉक होता है, कई बार लॉक नहीं होता, लॉक होना चाहिए अच्छी तरह। हाँ
अब मैं दिखाता हूँ इसका जो अपना सेंसर डालने पे क्या हो रहा है। अभी तीन भी दिखाया क्योंकि मैंने तार हटा दिया था इसका, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अरेज कोड में जाते हैं, डाटा स्ट्रीम, अब टीपी सेंसर जैसे ही पहले बढ़ रहा था 2.7। अब गाड़ी खड़ी है, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा देखो बढ़ रहा है फर्स्ट क्लास, और गाड़ी करता हूँ स्टार्ट। प्रोसेसर सेंसर भी वर्क कर रहा है। अब टीपी सेंसर दिखाता हूँ दोबारा, ये देखो 1.2% इतना ओपन है ये, जैसे ये देखो फाइनली गाइस देखा आपने इसकी सेंसर यूनिट जो छोटो बॉडी पर लगा होते हैं वो सेंसर यूनिट खराब होने के कारण जो है इसका जो स्पार्क है वो भाग गया था। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे सामने किसी भी गाड़ी में, बजाज की गाड़ी में फर्स्ट टाइम आया है जो कि सेंसर यूनिट, सेंसर यूनिट में कौन कौन से सेंसर होते हैं जो मैंने बताया किसी मैप सेंसर, TPS सेंसर और IAT सेंसर, ये तीनों सेंसर की यूनिट होती है। लेकिन बजाज की जो DS6 गाड़ी आ रही थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रखी है टीम में सेंसर यूनिट में, लेकिन कह रहे हैं जो पुराने मॉडल की सेंसर आ रखी है यूनिट रखी है उसमें कंपनी ने अपडेट कर दिया। तो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको हमने सीखते रहना है। पहले मैं सोच रहा था जो करंट का जो फॉल्ट होता है वो क्रैंक सेंसर का कारण होगा, ECU की वोल्टेज ना मिली उसके कारण होगा, कहीं से वायरिंग शॉर्ट होगा उसके कारण होगा, लेकिन इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम ऐसा किया है जो सेंसर यूनिट के कारण भी स्पार्क भाग जाता हमारा। मैंने दिखाया इसका जैसे हम कपलर हटाया सेंसर यूनिट का तो गाड़ी में स्पार्क आ गया था। हाँ वो बात अलग है, सेंसर यूनिट डालने के बाद गाड़ी जो परफॉर्मेंस है TPS सेंसर प्रॉपर वर्किंग करने लगा, सारी चीज़ गाड़ी परफेक्ट हो गई है। जैसे कि देखो मतलब गाड़ी में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए जैसी वैसी होनी चाहिए वैसी ही परफॉर्मेंस हो गया जैसे कि नई आती है। तो ये नई गाड़ी, और गाड़ी कितनी चली हुई है मैक्सिमम 5,000 किलोमीटर। और एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे यहाँ पर DS6 की हम ट्रेनिंग देते हैं हर 2-3 महीने में, और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो हमारे इस पर, जैसे कि आपने देखा मेरे पास डेली की 2-3 गाड़ियाँ ऐसी आती ही हैं जिसमें एक DS6 से रिलेटेड कोई ना कोई फॉल्ट आता है। अभी एक सामने गाड़ी खड़ी है RS 200 है, बाहर खड़ी है RS 200, मतलब काफ़ी गाड़ियाँ मेरे पास आती रहती हैं DS6 के रिलेटेड जो फॉल्ट डेली कोई ना कोई फॉल्ट के चक्कर में, और मार्केट में कोई अभी मेरे यहाँ पे कोई करता नहीं है, सब मैकेनिक भाई कंपनी में भेजते हैं या हमारे पास भेजते हैं। ट्रेनिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर सॉरी, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना जैसे अगर आप नेक्स्ट बैच में शामिल होना चाहते हो तो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे गाइस मेरे चैनल पर आती रहती है DS6 रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।